नमस्कार, सिर अफ्तार में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर की ओर। राजकीय महाविद्यालय पीपलखूंट के गेट पर विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। धौलपुर जिले के बाड़ी में पुलिस ने 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। टोडा रायसिंह खादी समिति के माध्यम से शुरू किया गया बुनकरों का प्रशिक्षण शिविर, महज कागजी खानापूर्ति साबित हो। पीलीबंगा में गामा पहलवान व्यायामशाला का शुभारंभ किया गया। जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ में बाबा छगनपुरी की छतरी पर भव्य मेला भरा गया। बीकानेर जिले के खाजुवाला में किसान हनुमान राम ने नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए तैयार किया 6 किलो का शलगम। भीलवाड़ा जिले के मांडल क्षेत्र में 4 फरवरी को हुई लूट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर जिले के गणेशपुर पंचायत में मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। डूंगरपुर जिले के पूर्व सांसद ताराचंद भाकुरा और साखवाड़ा के पूर्व विधायक सुरेंद्र बामणिया ने जदेरा गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जनसुनवाई की। डूंगरपुर जिले के दरियाटी पुलिस चौकी में सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन हुआ। डूंगरपुर जिले के सरतुरा गांव में प्राचीन नागेश्वरी माता मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न। डूंगरपुर जिले के सरकारी स्कूल में यूनिसेफ की ओर से बच्चों के लिए कार्यशाला का आयोजन। बारा जिले के अहमदा गांव में राजीव गांधी सेवा केंद्र पर जिला प्रमुख उर्मिला जैन ने राशन बांटा। बारा के राजकीय विद्यालय में आवारा मवेशियों का जमावड़ा, बच्चों को हो रही परेशानी। बारा के अंता के पास चंबल की दाई नहर में डूबे 14 वर्षीय बालक को तीसरे दिन भी नहीं तलाशा जा सका। बारा के बड़गांव में चिरंजीवी शिविर का आयोजन किया गया। बारा के पलायथा गांव के राजकीय विद्यालय के बाहर शिक्षक की पत्नी पिछले कई दिनों से धरना दे रही। नागौर जिले के परबतसर के पलाड़ा ग्राम में सरपंच लीना कंवर ने गौशाला की नींव रखी। नागौर जिले के परबतसर के रॉयल सैनिक स्कूल में 27 फरवरी से प्रवेश प्रक्रिया शुरू। नागौर जिले के न्यामबड़ी में एसडीएम ने अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक ली। नागौर जिले में श्री रामदेव पशु मेला चढ़ा परवान। सीकर के नीम कथौना नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक पालिका अध्यक्ष की अध्यक्षता में। सीकर के अजीतगढ़ थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन। सीकर के फतेहपुर में सर्दी का असर बरकरार है, अल सुबह छाया घना कोहरा। चित्रगढ़ के बेगू में श्री देव गौशाला निर्माण के लिए विधायक राजेंद्र सिंह विधूड़ी ने 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। चित्तौड़गढ़ के बेगू में 2 फरवरी को फांसी के फंदे पर लटके मिले बालक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोटकर हत्या करने का मामला आया सामने। चित्तौड़गढ़ जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपर्णा गुप्ता ने प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन क्षेत्र में नकली किन्नरों के आतंक को लेकर डीएसपी गीता चौधरी को सौंपा गया। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में तेज हवाओं के चलते अफीम की फसल को हो रहा नुकसान। भिलाड़ा में नालियों की सफाई नहीं होने के कारण आम रास्ते पर जमा गंदा पानी राहगीर और वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब। भिलाड़ा समेत आसपास गांव में आबकारी नियमों के खिलाफ चल रही शराब की दुकान। जोधपुर के बाप में कौशल गौशाला के संचालक महंत भगवान दास ने क्षेत्र की समस्त गौशालाओं के संचालकों से अपनी गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की अपील। जोधपुर के बावड़ी में सड़क किनारे बने गड्ढे हादसे को न्योता दे। फलोदी के राजकीय विद्यालय में 7 विद्यार्थियों का चयन एनएमएमएस में हुआ। जोधपुर के तिवरी में महिला से छेड़छाड़ और मारपीट करने के मामले में आरोपी कानारा मेघवाल को गिरफ्तार किया गया। पशु चारे के बढ़ते दाम पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर गौशाला संचालकों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। श्री सच्चाई आदर्श विद्या मंदिर में बच्चों और शिक्षकों ने सूर्य सप्तमी के मौके पर सूर्य नमस्कार और महायज्ञ किया। जोधपुर के ओसिया में डॉक्टर बी एल जाखड़ राजस्थान पाठ्य पुस्तक समीक्षा संगोष्ठी में जोधपुर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का परबतसर दौरा, पूर्व विधायक स्वर्गीय मोहनलाल चौहान को उन्होंने दी श्रद्धांजलि। सवाईमाधोपुर जिले के खंडार में अतिक्रमण के खिलाफ तहसीलदार और राजस्व टीम की बड़ी कार्रवाई। मीना बड़ौदा गांव के प्रसिद्ध संत मोहनदास महाराज पंचतत्व में विलीन।
सवाईमाधोपुर के बौली कस्बे में नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में जन जागरण अभियान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। सवाईमाधोपुर जिले के इटावदा गांव में मुख्य चौराहे पर हैंडपंप 5 सालों से खराब। मलाना डूंगर के खेड़नी कस्बे के साई मोहल्ले में बिना मुंडेर की बावड़ी में गाय की बछड़ी गिरने से उसकी मौत हो गई। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में स्थानीय श्री प्रताप सिंह बारहट महाविद्यालय शाहपुरा में प्रचार्य का पद 4 साल से रिक्त है। भीलवाड़ा जिले के गोलापुरा में अमृत महोत्सव के तहत क्रीड़ा भारती ने सूर्य नमस्कार संकल्प सप्ताह मनाया। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में लता मंगेशकर को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। देवसला गांव के तिगरिया मोड़ पर मोटर वाइंडिंग की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। चौमू के भट्टो की गली रेलवे स्टेशन पर एक युवा की ट्रेन से कटकर मौत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया आज एक दिवसीय दौरे पर चौमू पहुंचे। पाली जिले के बाली में विकास अधिकारी अतुल सोलंकी ने मनरेगा के काम का निरीक्षण किया। सामोद के मोरिजा गांव में चोरों ने मोटर वाइंडिंग की दुकान को निशाना बनाया। बाली के अस्पताल के पास बायोसा माता मंदिर का मेला शुरू हुआ। देसूरी ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय जल मिशन योजना की बैठक का आयोजन हुआ। शिव के रामसर में साले ने अपने ही जीजा महेंद्र खान पर फायरिंग कर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। भाजपा नेता प्रियंका चौधरी बाड़मेर इलाके के दौरे पर रही। रेनवाल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया पर हुए हमले के विरोध में प्रदर्शन किया। सांभाले कस्बे में 5 पत्ती चौराहे पर अम्माबाई की जयंती मनाई गई। बकरू कृषि उपज मंडी में बंदरों का झुंड व्यापारियों और किसानों के लिए पिछले कई दिनों से परेशानी का सबब। सामाजिक कार्यकर्ता मोनू लाटा को हवालात में बंद कर प्रताड़ित करने के मामले ने तूल पकड़ा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया पर हुए हमले की निंदा की। दूध क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने समेत अन्य मांगों को लेकर युवाओं ने जयपुर ग्रामीण SP मनीष अग्रवाल से मुलाकात की। शहरी क्षेत्र के स्कूलों पर लगाई गई पाबंदी अब धीरे धीरे कम होने लगी। नौका कस्बे में सूर्य सप्तमी का आयोजन किया गया। कटला चौक पर कार्यक्रम का आयोजन। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में बाराती की गाड़ी पलटी, हादसे में 3 बाराती घायल। बीकानेर जिले के नापासर में घना कोहरा छाने से वाहनों की रफ्तार पर लगे लगाम। बांसवाड़ा जिले के घाटोल नरवाली मार्ग पर ऑटो पलटने से 1 महिला घायल। बांसवाड़ा जिले के जाना मेड़ी गांव में CMHO कार्यालय में इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान का पोस्टर विमोचन। बांसवाड़ा जिले के निचली मोड़ी गांव में नदी तक जाने वाली सड़क 4 महीने के अंदर ही धराशायी हो। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा कस्बे में बुजुर्ग ने कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। बांसवाड़ा जिले के टाटिया बस स्टैंड पर बस नहीं रुकने से छात्र छात्राओं को खासी परेशानी। श्री सीमेंट लिमिटेड रास ने महिलाओं के लिए ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। सरवाड़ के चामुंडा माता मंदिर में आयोजित 5 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन। जोताया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र में वैक्सीनेशन से वंचित लोगों का टीकाकरण किया गया। अजमेर के ब्यावर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आदर्श विद्यालय में ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन। SDM राहुल जैन के निर्देशन में बच्चों का टीकाकरण किया गया। जैसलमेर जिले के फलसुंड में निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। जैसलमेर जिले के रामदेवरा कस्बे में खस्ताहाल सड़क होने से वाहन चालक परेशान। जैसलमेर जिले के पोखरण में विश्वविख्यात मरु महोत्सव का आयोजन आगामी 13 फरवरी से किया जाएगा। अलवर जिले के बहरोड में करंट लगने से भैंस की मौत। थानागाजी बावड़ी गांव में कुत्तों ने किया नीलगाय पर हमला। अलवर जिले के नारायणपुर में सरिस्का अभ्यारण्य इलाके से विस्थापित हुए लोगों ने पक्के मकान बनाने का काम शुरू किया। संख्या 48 की खस्ता हालत से वाहन चालक परेशान। अलवर जिले के किशनगढ़ पास में भारी वाहनों की खुली आवाजाही की छूट से आए दिन लगा रहता है जाम। जयपुर के रुंडल में शिव परिवार की स्थापना की गई। नेहरू युवा केंद्र जयपुर के निर्देशानुसार चलाए जा रहे कैच द रेन कार्यक्रम की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले 10 विजेता प्रतिभागियों का जगतपुरा में सम्मान। सवाईमाधोपुर जिले के मलाना डूंगर में सुपर किंग्स कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन। वजीरपुर क्षेत्र के मीना बड़ौदा गांव में 3 दिवसीय सत्संग समारोह का समापन। वजीरपुर पुलिस थाने का थाना अधिकारी योगेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में CLG सदस्यों की बैठक।
सवाईमाधोपुर के बहरामंडा में मुख्य भगत सिंह सर्किल इन संख्या 552 पर अतिक्रमण के चलते राहगीर परेशान। चौथ का बरवाड़ा गुणशीला गांव में कन्हैया दंगल कार्यक्रम का आयोजन। सवाईमाधोपुर जिले के खंडार में थानाधिकारी भगवान लाल मेघवाल ने ली सीएलजी सदस्यों की बैठक। बूंदी जिले के लाखेरी कस्बे के में देर रात बिजली के झूलते तारों से उलझा ट्रक। सदर थाना क्षेत्र के उलेडा में दो परिवारों के बीच वर्षों से चले आ रहे राष्ट्रीय विवाद को लेकर सदर थाना सीआई अरविंद भारद्वाज ने आपसी समझाइश कराकर मामला समाप्त कर। कोतवाली थाना क्षेत्र में जुआ खेलते हुए चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार। तालेड़ा थाना क्षेत्र के ब्लॉक संख्या NH52 पर दो कारों के आमने सामने टक्कर हो गई। डाबी हाईवे पर हादसे के बाद खड़े ट्रक की तलाशी के दौरान डाबी रेंजर संजय शर्मा ने प्रतिबंधित लकड़ियों से भरी ट्रक को जब्त किया। कोटवाताल गांव में अंबेडकर मूर्ति पर 4 फरवरी को गांव जे की असामाजिक तत्वों द्वारा कालिक पोत देने से दो बाल अपचारियों को निरुद्ध किया। चुरू जिला मुख्यालय पर संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर सीआई सतीश कुमार यादव की अगुवाई में विशेष सर्च ऑपरेशन चलाया। अलवर जिले के बानसूर में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया।